सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है जिसमें कुछ लड़के और लड़कियां धर्मनगरी हरिद्वार में फिल्मी गाने पर नाचते गाते नजर आए। इसे लेकर गंगा सभा की महामंत्री तन्मय वशिष्ठ ने सख्त टिप्पणी की है। वशिष्ठ ने कहा है कि धर्मनगरी की मर्यादा से खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने वीडियो में के माध्यम से संदेश जारी किया। तन्मय वशिष्ठ ने कहा है कि हड़की पौड़ी पर अमर्यादित वीडियो या फिर सोशल मीडिया के लिए रील बनाने को अब सहन नहीं किया जाएगा। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अब अगर कोई भी सोशल मीडिया में अपना लाइक और कमेंट बढ़ाने की तीर्थ की मर्यादा के साथ खिलवाड़ करेगा तो उसे किसी कीमत पर सहन नहीं किया जाएगा। दरअसल सोशल मीडिया पर हाल ही में एक वीडियो निकिता विडमानी के नाम से आईडी में साझा किया गया था जिसमें वह रात के वक्त हड़की पौड़ी पर अपने साथियों के साथ डांस करती हुई नजर आ रही है। इस पर गंगा सभा में एसएसपी को लिखित शिकायत करते हुए कार्रवाई करने की मांग की है। एसएसपी की दी गई शिकायत में वीडियो भी अटैच किया गया है। श्री गंगा सभा में महामंत्री तन्मय वशिष्ठ ने कहा है कि हड़की पौड़ी रतन धर्म की हिंदू धर्म की आस्था का केंद्र बिंदु है तथा इसकी मर्यादा को बनाए रखना हम सभी की नैतिक जिम्मेदारी है। हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम ऐसा कोई भी कार्य हड़की पौड़ी पर ना करें जिससे हड़की पौड़ी क्षेत्र के भक्तों की आस्था को ठेस पहुंचे। किंतु कुछ वक्त में ऐसा देखने में आ रहा है कि सोशल मीडिया पर लोग रील्स बनाकर प्रसारित कर रहे हैं जिससे हड़की पौड़ी क्षेत्र की मर्यादा भंग होती है तथा भक्तों की भावना को ठेस पहुंच रही है। ऐसा ही एक घटना हाल में आई है। निकिता नाम की एक लड़की ने अपने साथियों के साथ रील्स बनाकर सोशल मीडिया पर प्रसारित किया जो हड़की पौड़ी के मर्यादा को अनुरूप नहीं है। इस सिलसिले में एक लिखित शिकायत एसएसपी को दी है तथा वीडियो भी उपलब्ध कराया है। उससे इस मामले में कार्रवाई करने की मांग की है। We'll be right back.